गुड मॉर्निंग ऑडियंस क्विक वीडियो अबाउट माई नेम मिर्चा वाला बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई ये नीचे कमेंट्स भी करते हैं फ़न भी करते हैं मिर्चा वाला मिर्ची वाला ये क्या है आ, मैं कोई बुरा नहीं मानता यार बुरा मानता तो ऐसा मेरा मूड नहीं होता लेकिन जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन कि ये वो कहते हैं कि नाम क्यों देखिए सबसे पहली बात नाम का बड़ा इम्पेक्ट है कुछ लोग को ऐसा लगता है ये नाम हमने फ़न में रखा है एक मस्ती में रखा है सही ना जैसे आजकल चल भी रहा है बहुत लोग रखते हैं अपने नाम के आगे वाला वाला लगाते हैं और आर ओ टेक नेम्स लोग लगाते हैं लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैंने ये नाम ख़ुद क्रिएट नहीं किया दिस इज़ माई सर नेम माई फादर एज द सेम नेम माई ग्रैंड फादर एज अ सेम नेम ये मेरे सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स पर ये मेरा आ, ये मेरा टैक्सिस का ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर भी मेरा नाम मिर्चा वाला लिखा हुआ वा है तो ये नाम मैंने कोई ऐसे फ़न क्रिएट नहीं किया लेकिन हाँ मुझे पता है नाम का बड़ा इम्पैक्ट होता है लोगों के जो कॉमन नाम होते हैं मुझे बहुत लोग कहते हैं भी कई भी कहते हैं कि सर हम लोग इतने प्रोमिनेंट नहीं हो पाते हमारा नाम थोड़ा प्रोमिनेंट है हट के है, अब आप फ़नी बोलें जो भी इवन मेरी बच्चियाँ भी स्कूल में उनको भी मिर्च वाला गर्ल्स करके वो बुलाते तो एक अच्छा प्रोमिनेंट डिफरेंट नाम है और वो एक बड़ा यूनिकनेस भी आ जाती है पहचान में आ जाते हैं स्पेशली अगर आप फेमस हो तो एक ज़ाहिर चेरी ऑन टॉप तो और बाकी औरकी बहुत सारे और नाम भी होते हैं काशिफ कोई बोलता है बासित कोई बोलता है कामरान कोई बोलता है मुस्तफ़ा कोल आर गुड नेम्स लेकिन ज़ाहिर वो एक यूनिकनेस नहीं आती है ये सर नेम्स से एक यूनिकनेस आती है मैं मानता हूँ उसको अच्छा अब सवाल ये है कि तो मैंने आपको सबसे पहले डिस्कलेमर दे दिया कि ये नाम मैंने कोई अपने फ़न के लिए हम लोगों ने नहीं रखा अपनी शहरत कैलेंडर का ये हमारा नाम हमें विरासत में मिला है ठीक है ना अच्छा अब सवाल ये कि नाम पढ़ते क्यों मैं अब आपको बताऊँ नॉर्मली डेली सौदाग्रान में या हम लोग जो मेमन हैं उसमें नॉर्मली जो काम कर रहे होते हैं ना उसकी वजह से वो पड़ जाते हैं जैसे अब पता नहीं परदादाओं में किसी ने मिर्ची का काम किया होगा तो दैट्स तो मिर्ची वाला ऐसे और बहुत सारा होता है सही है ना बहुत सारे दवाई वाले फलाना ये वो, वो उनके नाम की वजह उस कारोबार की वजह से पड़ता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि ड्यू टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन उस वजह से भी नाम पड़ता है मैं एक बड़ी फेमस फैमिली को जानता हूँ आई डोंट वांट टू टेक निमाल तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सिर्फ उनके किसी दादा पर दादा में किसी ने उसकी ज़्यादा बोलने की आदत थी तो उस वजह से मैं सर नेम नहीं लेना चाहता हूँ उस वजह से नाम पड़ गया तो पता चला कभी कभार किसी कैरेक्टरिस्टिक पे भी नाम पड़ जाता है अच्छा और फिर जहर लोग चेंज भी नहीं करना चाहते नाम स्पेशली इट्स जैसे मैं अपनी बच्चियों को नहीं बोलूँगा या हम लोग आगे नहीं बोलेंगे कि वो नाम चेंज करें अब ये नाम हिट हो गया है इसको और चलाओ आगे एक आइडेंटिफिकेशन है तो बताने का मकसद ये है कि ये एक सरनेम है सारी चीज़ें बाकी आप फ़न वगैरह करते हैं ठीक है लेकिन मैं ये वीडियो जो मैंने बनाई दिस फॉर सीरियस पीपल क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये, और कुछ लोग सीरियस में दे हैव हाँ करियोसिटी कि है, वॉर इज़ दिस मिर्चा वाला ये है क्या तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सारी चीज़ें अच्छा इसके बावजूद भी अगर मस्ती है और कुछ फ़न है और कोई डिस्कशन करना चाहते हो और बहुत अच्छा लगता है नाम यकीन तभी इतना मस्ती है तो अपने नाम के आगे मेरा नाम लगा लो मजाक करो जस्ट किडिंग आई लव यू थैंक यू